अबाउट 30 मिनट्स के अंदर ये सर्जरी खत्म हो जाती है और इस सर्जरी के कुछ ही घंटों बाद आप चलने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी है और इसमें आपकी लाइफस्टाइल इफेक्ट नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत लंबे टाइम की छुट्टी की ज़रूरत है या फिर कोई बहुत बड़ा चीरा आ रहा है आपको, ऐसा कुछ नहीं होता। पेन भी इसमें एकदम मिनिमल है। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर डीपी शर्मा है और मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकवरी इन एसीएल सर्जरी, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन या फिर रिकवरी टाइम इन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। कई सारे दोस्तों लोग हमारे जो परेशान होते हैं, हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, वो इस चीज़ से परेशान हैं कि हमें कितनी देर में चलाएंगे या कितने टाइम में मैं काम पर जा सकता हूँ, कितने टाइम में मैं स्पोर्ट्स में जा सकता हूँ। तो दोस्तों आज हम इन सभी चीज़ों का आपको जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों ACL रिकंस्ट्रक्शन आज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करते हैं जिसमें एक घंटा भी नहीं लगता, अबाउट 30 मिनट्स के अंदर ये सर्जरी ख़त्म हो जाती है और इस सर्जरी के कुछ ही घंटों बाद आप चलने लगते हैं। कुछ टाइम के लिए हम कभी कभी इसमें पार्शियल वेट वेयरिंग अलाउ करते हैं, अबाउट एक हफ्ते के बाद आप आपका पूरा वजन दे के भी चल सकते हैं और 15 दिन के बाद आप ऑलमोस्ट नॉर्मली चल रहे होते हैं और 12 से 14 दिन के अंदर इसमें जो कुछ टांके आते हैं वो भी निकाल दिए जाते हैं। अगर आपको नॉर्मल ऑफिस वर्क है या फिर आपका बैठे बैठे काम है तो दोस्तों वो तो आप आपके नेक्स्ट डे से ही सर्जरी के, आप अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो आप वर्क फ्रॉम होम चालू कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइव करके जाना पड़ता है या फिर आपको कोई दूसरा काम करना पड़ता है जिसमें आपको थोड़ा चलना हो, स्टेयर चलनी हो, तो वो भी आप 15 से 20 दिन 25 दिन के अंदर रिज्यूम कर सकते हैं आपका काम। अब रही बात दोस्तों कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, तो हम आपको रनिंग जो है वो अलाउ नहीं करते कम से कम 3 महीने तक के लिए, एंड उसके बाद धीरे धीरे आपका जो है 6 months to 9 months का रिहैब चलता है जिसमें कि हम आपको स्पोर्ट्स भी अलाउ कर देते हैं स्लोली स्लोली डिपेंडिंग ऑन के आपकी फिजियोथेरेपी कैसी चल रही है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी है और इसमें आपकी लाइफस्टाइल इफेक्ट नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत लंबे टाइम की छुट्टी की ज़रूरत है या फिर कोई बहुत बड़ा चीरा आ रहा है आपको, ऐसा कुछ नहीं होता। पेन भी इसमें एकदम मिनिमल रहता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है, क्योंकि इसमें बहुत कोई चीरफाड़ या फिर बड़ी बोन में टनल्स या फिर ड्रिलिंग बहुत बड़ी नहीं की जाती। तो दोस्तों अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड डाउट है, इस सर्जरी से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।